आज का मैं जो आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, दैट इज़ पार्ट फोर। हम पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं बेटा। चलो क्वेश्चंस रीड करते हैं। यस, वेगा टेक एंटरप्राइजेस वॉज ए कंपनी मैन्युफैक्चरिंग रेफ्रिजरेटर। द कंपनी हैड ए फंक्शनल स्ट्रक्चर विथ फोर मेन फंक्शंस, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्स। एज द डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स ग्रू, द कंपनी डिसाइडेड टू हायर मोर एम्प्लॉयज। आइडेंटिफाई द कंसेप्ट विच हेल्प द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इन आइडेंटिफाइंग द टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस जॉब एंड अकम्पलिशिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। यस बेटा, बताओ कि कौन सा कॉन्सेप्ट है ये? यस, ये कॉन्सेप्ट है आपका स्टाफिंग। क्या है? स्टाफिंग कॉन्सेप्ट है आपका। ओके, ये आपका आंसर है स्टाफिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाई इज एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू कंडक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन? बताइए जरा कि इंटरव्यू जो होता है एम्प्लॉयज़ का, वो क्यों कंडक्ट किया जाता है? यस, व्हाई इट इज़ कंडक्टेड? इट इज़ कंडक्टेड टू इवेल्युएट एप्लीकेंट सुटेबिलिटी फॉर द जॉब। मीन्स वॉट एवर वी वॉन्ट टू कम्प्लीट आवर जॉब, फॉर दैट जॉब दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय इज़ एप्लीका सुटेबल और नॉट। ठीक है, ये हमें डिसाइड करना पड़ता है, इसीलिए हम एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट, गिव द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। राइट, तो आपको पता है ना, देर आर द थ्री लीडरशिप स्टाइल, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेसिस फेयर। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज दैट टाइप ऑफ लीडरशिप इन विच लीडर डेवलप्स एक्शन प्लान एंड मेक डिसीजंस विद द कंसल्टेशन ऑफ द सबॉर्डिनेट्स। यानी कि जो भी लीडर है, जो भी एक्शन प्लान क्रिएट करता है या डिसीजन लेता है, वो सबॉर्डिनेशन की कंसल्टेंसी में लेता है। उस टाइप के लीडर को हम क्या बोलते हैं? डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल बोलते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन डायरेक्टिंग एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। राइट, अब हमें डायरेक्टिंग को डिफाइन करना है एज ए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो क्या होता है डायरेक्टिंग में? येस, इट इज रेफर, इट रेफर्स टू दैट प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग, लीडिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन वाई टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। राइट, वाई वी आर इंस्ट्रक्टिंग पीपल, वाई वी आर गाइडिंग द पीपल, वाई वी आर गाइडिंग द वी आर डूइंग द काउंसलिंग, वाई वी आर मोटिवेटिंग, वाई वी आर लीडिंग पीपल जस्ट टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, दैट इज डायरेक्टिंग। ओके, चलो मूव्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉट इज मेंट बाय कैपिटल स्ट्रक्चर? येस, वॉट इज द मीनिंग ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर? बेटा, कैपिटल स्ट्रक्चर दैट प्रपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी, ठीक है, विच इज यूज फॉर फाइनेंसिंग ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस की फाइनेंशियल ऑपरेशन के लिए जो डेट और इक्विटी का मिक्स होता है, उसको हम कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एंड स्टेट द एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इनेबल्स टू फोर सी फंड रिक्वायरमेंट बोथ इन टर्म्स ऑफ क्वांटम एंड द टाइमिंग। यस बेटा, वो कौन सा एस्पेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का? यस, दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। ओके बेटा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, आपके एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू फ्लोटेशन कॉस्ट अफेक्ट द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी? राइट, फ्लोटेशन कॉस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर के चॉइस पे कैसे इम्पैक्ट डालती है? आपको पता है ना, कैपिटल स्ट्रक्चर में दो मिक्स होते हैं, अभी हमने पढ़ा था डिफाइन कैपिटल स्ट्रक्चर का, एक डेट होता है और एक इक्विटी होता है। राइट, तो इसमें हम जो है किस टाइप का फंड जो है मेंटेन करके रखेंगे, डेट रखेंगे या इक्विटी रखेंगे, राइट, अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर में। राइट, तो उसमें एक आपका फ्लोटेशन कॉस्ट होता है, उस फ्लोटेशन को वो फ्लोटेशन कॉस्ट कैसे इम्पैक्ट डालता है? राइट, तो हमें इसमें
क्या बताना है? पहले तो ये बताना है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट. यस, कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स, दैट इज फ्लोटेशन कॉस्ट. जैसे कि कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग, प्रिंटिंग प्रॉस्पेक्टस एट्सेट्रा, राइट. सो वी शुड कंसीडर कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स व्हेन वी आर गोइंग टू चूज द कैपिटल स्ट्रक्चर मिक्स. ओके, सो वी शुड प्रेफर दैट सिक्योरिटी विच हैज द लेस व्हाट कॉस्ट, राइट. सो कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज शुड बी केयरफुली एस्टिमेटेड बिफोर मेकिंग अ चॉइस. सिक्योरिटीज विद मिनिमम फ्लोटेशन कॉस्ट शुड बी प्रेफर्ड. ओके बेटा, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से पढ़ना. वंशिका यूजेस कुबेर कैब्स फॉर ट्रेवलिंग इन द सिटी. शी रिसीव्ड अ टेक्स्ट मैसेज ₹222 ऑन KTM एंड गेट 20% कैश बैक ओनली हैविंग मिनिमम 10 ट्रिप्स टिल 15th April 2017. यानी कि देखो 20% कैश का ऑफर है, तो दैट मींस क्या है, जहाँ पे परसेंटेज आता है तो वो सेल्स प्रमोशनल टेक्निक क्या होती है, डिस्काउंट होती है. ओके बेटा, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेम द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग विच इज़ कंसर्न विद द कॉस्ट एंड लोकेशन ऑफ टारगेट मार्केट. बेटा ये आपका फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन फंक्शन, जिसमें हम नेचर ऑफ प्रोडक्ट देखते हैं और कॉस्ट देखते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं, टारगेट मार्केट देखते हैं, प्लेस देखते हैं. तो ये सारी चीज़ें हम किस में देखते हैं, ट्रांसपोर्टेशन फंक्शन में देखते हैं. ओके, तो दिस इज़ योर आंसर. मूव्स टू लास्ट क्वेश्चन. नेम द मार्केटिंग फंक्शन विच इज़ कंसर्न विद द इंफॉर्मिंग कस्टमर अबाउट फर्म्स प्रोडक्ट. ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ये तो आपका हो जाएगा कि प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन के लिए जो कस्टमर को इन्फॉर्म करते हैं तो वो मार्केटिंग फंक्शन कौन सा होता है. यस, एडवर्टाइजिंग. ओके, तो बेटा ये आज के इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चंस लेकर आए हैं आपके लिए, और अब लास्ट आपके 10 क्वेश्चंस और बचे हैं. ये प्रीवियस आपके जो प्रीवियस के क्वेश्चंस हैं इनकी हम प्रैक्टिस करा रहे हैं आपको. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.